नमस्कार, मेरे जेमिनी राशि के मित्रों, स्वागत है आपका आनंद शर्मा सॉलिड टीवी में। और मैं लेके आया हूँ आपका मंथली फॉरकास्ट, यानी कि जून महीने की बात करूंगा। उससे पहले एक जरूरी सूचना आपको दूं, आप हमेशा ईमेल करते हैं, कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं कैसे आपसे कॉन्टैक्ट हो सकता है। तो एक ईजी वे मैंने आपके लिए निकाला है कि आप फेसबुक के ऊपर मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं लेके आता हूँ हर बुधवार वेनेसडे इवनिंग रात 8:30 से 9:30 लाइव शो ऑन फेसबुक, और आप उसमें मुझसे कोई भी एक सवाल पूछ सकते हैं। और अब मैं बात करूँ आपके राशिफल की, तो मंथ ऑफ जून में सबसे पहले मंथ की शुरुआत जो है वो निश्चित तौर पे एक अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें कुछ एलर्जिक रिएक्शन दिखाई दे रहे हैं। जैसे जिनको ग्लूटेन एलर्जी है, जिनको जोड़ों का दर्द है, जिनको डायबिटिक कंडीशन है, उन लोगों जिनको आँखों की कोई एलर्जी है, हे फीवर जैसी स्थिति है, उनको बहुत ध्यान देना होगा कि ये महीना आपके लिए निश्चित तौर पर काफ़ी हेल्थ के मामले में काफ़ी परेशानी लेके आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन धीरे धीरे आप जैसे देखेंगे कुछ ग्रहों का परिवर्तन, और खासतौर पर मरकरी का जो परिवर्तन है, ट्रांजिट जो होगा, आपके राशि लॉर्ड हैं जो अभी कमजोर बैठे हुए हैं शुरुआत में, लेकिन 10 तारीख को जैसे ही वो राशि परिवर्तन करेंगे तो आप अपनी सेहत के साथ सेहत को पहले से बेहतर पाएंगे। इसका मतलब कि उससे पहले आपको काफ़ी अपनी तरफ से काम जो है वो करना होगा। वहीं वीनस भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छे ट्रांजिट करेंगे और आपके सेकंड हाउस में चले जाएंगे, यानी कि हाउस ऑफ फाइनेंस। तो कहीं ना कहीं जो बिगनिंग में चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, आप भरपूर प्रयास कर रहे हैं, आपकी प्लानिंग्स बहुत हैं, आपके आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, लेकिन वो उनमें कहीं ना कहीं आकर कोई ना कोई चीज़ जो है उसे मैच्योर करने से पहले ही रोक देती है। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आप कहीं ना कहीं फिर थक जाते हैं, बैठ जाते हैं और फिर आप उठते हैं, क्योंकि आपका काम है मुझे लाभ चाहिए। और लाभ का कारक मंगल जो है इस समय आपके अष्टम भाव में बैठा हुआ है, वो भी केतु के साथ, मैलेफिक केतु के साथ। तो इसका मतलब है कि लोग जिनसे आप मशवरा ले रहे हैं, बड़ा सावधान आपको चूजी होना पड़ेगा कि कौन कौन से लोगों के साथ आप बात कर सकते हैं, क्योंकि हर एक इंसान के ऊपर इस समय विश्वास करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो सेहत का ध्यान रखना है, आपकी सेहत पहले से बेहतर होगी, ये भी कुंडली में साथ साथ आपकी राशि में दिखाई दे रहा है। सूर्य भी आपकी राशि से गोचर करेंगे 15 तारीख को, ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छी बात, और ये पराक्रम के कारक है, यानी कि जो हिम्मत कहीं ना कहीं टूटती हुई जा रही है आप उसको फिर से रीगेन करेंगे और एक बार फिर से आप उसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ जाएंगे। और ये उम्मीद मैं आपसे करता हूँ कि आप इस बार बहुत अच्छा करेंगे। थोड़ा अपने गुस्से के ऊपर आपको काबू रखना होगा, और सबसे जरूरी चीज़ आपकी डाइट, आप डे टू डे लाइफ में आप लिविंग आपकी कैसी है, ये बहुत मैटर करती है। इस बार इस महीने में खासतौर पे गर्मी से आप बचें, खाना टाइम पर खाएं और बहुत ज़्यादा टायर्ड अपने आप को ना होने दें, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। फाइनेंशियली आप बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, हालांकि लाभ का कारक जो है मंगल कमजोर है, फिर भी मंगल धन स्थान को देख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि लाभ आपकी तरफ आएगा। शुक्र का वहां पहुंच जाना भी आपको लाभ देगा। संतान आपकी बहुत अच्छा करेगी, संतान द्वारा लाभ होगा, संतान को जॉब प्रमोशन जॉब मिल सकती है, संतान एजुकेशन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उसका होगा। अगर एग्जाम हो रहे हैं तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, और जो लोग संतान की कामना करते हैं निश्चित तौर पे ये महीना आपकी संतान प्राप्ति का है। लेकिन साथ ही साथ कहूँगा कि सावधान भी रहना होगा, संतान भाव का कारक मंगल कमजोर स्थिति में है, जिसकी वजह से संतान भाव का शुक्र जो है वो संतान दे रहा, लेकिन मंगल के साथ उसका अष्टम भाव से कनेक्शन हो जाने से कहीं ना कहीं आपकी जो संतान के मिसकैरेज के चांसेस भी बनेंगे। इस चीज़ का अपने साथ में ध्यान जरूर रखना है। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो ये जो ग्रह हैं आपके शादीशुदा जिंदगी में, अगर मैं बात करूं तो सूर्य आपकी बुध के साथ मिलकर आपकी राशि से गुजरेंगे। सूर्य आपके पराक्रम के मालिक हैं, जुपिटर बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, शनि को देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी हल्की हल्की रंजिश या चीज़ें हैं जो डिले करती चली जाएंगी। थोड़ा सावधानी पूर्वक इस मामले में कोई भी नतीजा डिसीजन बनाए तो आपके लिए अच्छा होगा। जल्दबाजी में कई बार जब हम सूर्य जैसे ग्रह, जैसे सूर्य एक एनर्जी है, पावरफुल स्टार है, मंगल एक पावरफुल स्टार है, ये जो स्टार हैं ये कई बार हमें फोर्स करते हैं कुछ चीज़ों को करने के लिए, तो फोर्स में ऐसा ना हो कि आप कुछ गलत डिसीजन ले जाएं, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है भाई। और एनर्जी से जुड़ी हुई, पावर से जुड़ी हुई आपकी राशि भी है, तो छोटे छोटे लाभ बनाने में आप हमेशा ही काम करते हैं। तो ये जो परिवर्तन कुछ हो रहे हैं, सूर्य बुध शुक्र का परिवर्तन होगा, मंगल आपके इस महीने में पूरा यहीं बैठा रहेगा, जुपिटर पंचम भाव में बैठे रहेंगे, और चंद्रमा तो आपको पता है कि एक महीने में सारी राशियां पूरी कर लेता है। तो इस समय में चंद्रमा दिखा रहा है पार्टनरशिप के माध्यम से धन की स्थिति दिखा रहा है, एक अच्छी स्थिति दिखा रहा है, तो ये धन की स्थितियाँ कहीं ना कहीं आ रही है। लेकिन पार्टनरशिप हमेशा बहुत ध्यानपूर्वक करनी चाहिए, एग्रीमेंट बनाए जाने चाहिए ताकि बाद में कोई दिक्कत जो है वो ना हो, ये बहुत जरूरी बात है।
तो कुल मिला के ये मैं कहूंगा कि आपकी राशि में संवेदनशीलता जो है बहुत ज्यादा है। इस बार आपको हर डिसीजन जो है बहुत ही सावधानी के साथ करना होगा, क्योंकि ये आपको ऊंचाई की ओर भी लेके जा सकता है, तो आपको कहीं ना कहीं इसका खमियाजा नुकसान भी हो सकता है। तो एक अच्छी प्लानिंग, एक अच्छी सोच के साथ अगर आप इस महीने को में एक्शन लेंगे, यूज़ करेंगे, तो निश्चित तौर पे ऊंचाई की ओर आप आगे बढ़ेंगे। कुल मिला के यही कहूँगा कि ये महीना आपके लिए मिक्स्ड रिजल्ट लेके आएगा, तो थोड़ा सावधानी पूर्वक जो है अपना काम करें तो आपकी बात बन जाएगी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलूंगा आपसे, बात करूंगा आपके आपके साथ आपके अगले महीने के राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।